कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज सेवी संस्थाएं आगे आने लगी हैं। संस्था उत्कृष्ट फाउंडेशन ने परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित कर उनका दर्द बांटा। फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंदों को चावल, आटा, प्याज आदि का वितरण SDM सदर अमित भट्ट व रामकोट थाना अध्यक्ष ब्रजेश राय की मौजूदगी में किया गया। संस्था का मालिक क्या है? हमारी संस्था का नाम उत्कृष्ट फाउंडेशन है। हम यूजुअली एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन आजकल कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को पेट भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनका पेट भर जाए, इसलिए हम लोग राशन किट इस समय बांट रहे हैं, जो कि देश के अन्य शहरों में भी हमने ये काम किया है, जैसे कि रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के शहर हैं, इनके अलावा हमने बम्बई, कर्नाटका, उधर भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। हमने राशन किट के साथ साथ हमने सैनिटाइजेशन पर भी बहुत काम किया है। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हमने सैनिटाइजेशन किट पूरी सैनिटाइजेशन टनल का स्थापना करवाई। सबसे पहली सैनिटाइजेशन टनल UP में हमने ही अपनी सेटअप करवाई थी। अब धीरे धीरे अभी 300 परिवारों को ये किट दी जा रही है, 300 परिवार इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में लगभग 2000 बहुत गरीब परिवार हैं जिनको हम प्रयास कर रहे हैं कि उन तक के लिए पहुँचे। इस संस्था के ओनर श्री बालकृष्ण तिवारी जी हैं जो चेयरमैन हैं, वो अभी दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एज ए एडवाइज़र भेजा गया है काम कम्प्लीट करने के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।